आज मैं आप लोगों से एक ज़रूरी चीज़ जो हमारे माशरे में पाई जाती है जिसको हम कहते हैं आमतौर पे जिन्नात बीमारी के हवाले से, उसके बारे में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ बीमारियाँ होती हैं जिसमें अक्सर ये होता है कि लोगों को दौरे पड़ते हैं। ये दौरे मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, कुछ मिर्गी के दौरे होते हैं और कुछ दूसरे तरह के दौरे होते हैं। जब हम इनको अलहदा करते हैं कि ये मिर्गी के दौरे हैं तो उनका अपना एक मखसूस इलाज होता है। इसके अलावा जो दूसरे किस्म के दौरे होते हैं उसमें हम आपको बताते चलें, मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें यह होता है कि जब कोई परेशानी पड़ती है, अक्सर हमारे माशरे में औरतों पे इस तरह होता है कि उनको दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसमें होता ये है कि वो अपना जो मसला होता है या जो स्ट्रेसर होता है उसको सही तरीके से बयान नहीं कर सकती, या इसके अलावा उनका सही तरीके से हल नहीं ढूंढ पाती, जिसकी वजह से उसकी जो मसाइल होते हैं वो एक दौरे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसमें अमूमन ये होता है कि मरीज़ या जो भी बंदा होता है वो अंदर से होशियार होता है, उसको पता होता है कि उसकी इर्द गिर्द क्या हो रहा है, लेकिन वो ना अपने हाथ उठा सकता है, ना पैर हिला सकता है और ना ही कोई बात कर सकता है। अगर मैं मुख्तसरन आपको ये कहूँ कि अक्सर लोग फिर इसको मरीज़ों को उठा के किसी दम दारू वाले के पास ले जाते हैं, कोई तावीज़ करवाते हैं, तो वहाँ से फिर उनका काफ़ी ख़र्चा भी होता है और इसके अलावा वो बीमारी जूं की तूं रहती है, उसमें कोई अफाका नहीं होता। तो बेहतर तो ये है कि हम वो मसला आगे ले कर आएँ और उस मसले का हल तलाश करें जिसकी वजह से वो दौरे ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो दौरे होते हैं और ये मसला, इसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है, जब मसला ख़त्म हो जाएगा दौरा भी ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा ऐसे लोगों को हम और तरह से स्किल और हुनर भी सिखाते हैं कि अगर ज़िंदगी में आपको कोई मसला पड़ जाए, कोई परेशानी हो जाए तो उसको किस तरह से हल करना है, बजाय इसके कि हम इसको अपने बदनी अलामात के ज़रिए ज़ाहिर कर सकें। अगर चीज़ में इनका कोई कसूर नहीं होता, ये वो जानबूझ के नहीं करते, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन जब उनको मारा पीटा जाता है कि आप कसदन कर रहे हैं, इसमें उनका कोई कसूर नहीं होता। हाँ, ये होता है कि वो अपना इजहार सही तरीके से नहीं कर पाते और लाशऊरी तौर पे उनमें ये दौरे पड़ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुन नहीं सकते, वो भी एक कन्वर्जन डिसऑर्डर होती है, यानी या हिस्ट्रॉनिक डिसऑर्डर। कुछ लोग देख नहीं पाते, कुछ लोग उल्टी करते हैं, कुछ लोगों को हिचकी शुरू हो जाती है या हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में ऐसे लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है और आपको ऐसे अफराद को माहिर नफ्सियात के पास लेकर जाना चाहिए ताकि वो उनसे बात कर सकें और इसके उनके मसाइल पे उनकी मदद कर सकें। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।